अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बाय उमर। आज की जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने एसीडीसी फैन को किस तरह से यूज़ करना है। मेरे को अक्सर मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि उमर भाई आप एसीडीसी फैन की वीडियोज़ तो बना रहे हैं लेकिन बता ही नहीं रहे कि एसी पे किस तरह यूज़ करना है, डीसी पे किस तरह यूज़ करना है, स्टैंड बाय पे किस तरह वर्किंग करेगा ये। अगर हमारा फैन एसी पे चल रहा हो और इलेक्ट्रिक चली जाए तो डीसी पे किस तरह कन्वर्ट होगा, या डीसी से इलेक्ट्रिक एसी पे 220 पे किस तरह से आएगा। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के दिखाएंगे। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें। ये देखें, पहले हमने अपना फ़ैन लगा दिया है। अभी फ़ैन लगाने के बाद जो है, अभी यहाँ से हमने इसका फ़ैन का बटन ऑन किया, पीप की आवाज़ की, और ये हमने इसका ऑफ का बटन दबा के रखा, डबल पीप पे ये कनेक्ट हो गया। अब ये देखिए आप, ये हमारा फ़ैन चल पड़ा। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया, डबल ऑफ का बटन दबा के रखा था हमने, इसके रिमोट के पीछे लिखा हो तो ऑफ का बटन दबा के रखिए, कनेक्ट हो जाएगा। ये हाई लो यहाँ से वर्किंग करता है। अब ये देखें, सबसे पहले ये फ़ैन हमारा एसी पे चल रहा है। अभी ये हमारा फ़ैन एसी पे चल रहा है 220 पे। ये इसका जो है, ये देखिए आप, ये बटन ऑन है और ये एसी पे चल रहा है अभी ना। ये देखिए आप, ये एसी पे। अब ये जो है, ये हमारा बैटरी का सेटअप है। ये हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है अपना, इसका भी हम आपको इंशाल्लाह एक वीडियो बना के बताएंगे कि किस तरह से आप अपने घर में इस तरह से सेटअप बना सकते हैं। ये देखिए, ये फ़ैन की वायर है, ये प्लस है इसका, ये माइनस है, ये हमने इधर लगा दिया सही। अब ये हमारा डीसी भी कनेक्ट हो गया, ये हमने इसका 220 जो है ये डिसकनेक्ट कर दिया, और ये हमारा फ़ैन जो है भी, ये देखिए अब अभी हमारा फ़ैन जो है ये ऑटोमेटिक डीसी पे चला जाएगा, स्टैंड बाय डीसी पे चला गया ये। यहाँ से हमने अपनी ये 220 को ऑफ कर दिया, जैसे ही कि इलेक्ट्रिक ऑफ होगी ये डीसी पे ऑटो चला जाएगा सही। अब ये देखिए, डीसी पे चल रहा है ये, और जो है वो वायर जो है वो बैटरी पे कनेक्ट हुई हुई है ऑलरेडी। अब अगर आपका के इलेक्ट्रिक 220 एसी करंट दोबारा आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये बटन ऑन किया हमने, ये ऑटो जो है ये देखिए, ये एसी पे आ गया, डीसी से ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, आपको डिसकनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो जो है ये कनेक्ट हो जाएगा। अक्सर लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो आज की वीडियो बनाने से मुझे समझा मैंने कि मैं आपको बता दूँ कि ये स्टैंड बाय फैंस होते हैं, ये ऑटोमेटिक जो है ये डीसी से एसी और एसी से डीसी पे चले जाते हैं। जैसे हमारा एसी करंट इसको डिसकनेक्ट होगा, ये डीसी पे ऑटो चला जाएगा। जैसे के इलेक्ट्रिक आएगी, जैसे लाइट हमारी आएगी है, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये के इलेक्ट्रिक पे आ जाएगा। आपने पूरा तरीकाकार समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई मालूम के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जो है ऑफर के साथ, किसी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।